आप देख रहे हैं जीरो न्यूज। ये राहुल जी आए थे और राहुल जी ने बोला है कि उनका पूरा 100% सपोर्ट हमारे साथ है और जो भी जिस तरीके से भी पवार साहब कहेंगे वो इज रेडी टू सपोर्ट। कांग्रेस इज 100% विद अस और सारी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं। और क्या चर्चा हुई थोड़ा वो बता दीजिए। इसी बारे में चर्चा हुई, जो देश में इस तरीके से हालात चल रहे हैं, जो ये लोग कुछ भी तरीके से, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या पैसे का लालच हो, जो लोगों को एमएलएज को तोड़ने का काम और जो ये पार्टीज को तोड़ने का काम इस समय देश में चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इन चीजों के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आगामी विपक्ष की बैठक को लेकर भी कुछ चर्चा हुई और शरद पवार जी उसमें भी इस बात का कोई जिक्र करी नहीं है। तमाम देखिए, जिक्र तो होगा ही, ये अच्छा नहीं चल रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, जिक्र जरूर हो। अपोजिशन मीटिंग को लेकर कुछ चर्चा हुई कि 17-18 को होने वाली, उसमें शरद पवार की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम प्रफुल्ल पटेल थे, तो क्या इस बार शरद पवार केवल सुप्रिया सूर्य के साथ आएंगे या रहेंगे मीटिंग में, कुछ इसको लेकर चर्चा हुई? देखिए, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी पवार साहब ही गए थे, उनके साथ दो लोग गए थे, इस बार अभी पवार साहब जाएंगे या जो उनका बात हुई होगी वो उस तरीके से तय होगा। मैं उस समय, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट गई थी, मैं उस समय अंदर नहीं थी, अलावा 100% अटेंडेंस था। थैंक यू। नो, इट वॉज 100% लीगल। जिस दिन से हमारी पार्टी फॉर्म हुई है उस दिन से पवार साहब ही हमारे प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू। मेजोरिटी उनके पास है, मेजोरिटी हम 100% मेजोरिटी में हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। आज हमारी वर्किंग कमेटी में एक्सपेल्ड किए हुए लोगों के अलावा 100% अटेंडेंस था।